गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हरियाणा भूमि। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर में 22 अगस्त और 23 अगस्त 2020 के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अगर हम आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरियाणा भूमि यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस कब मनाया गया है? 21 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष बनाया है वो किशोरा रुंगटा को बनाया गया है। जो किशोरा रुंगटा है, इसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा डॉग कोरोना वायरस गेम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये क्या है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस स्ट्रेन D614G पाया गया है? तो दोस्तों, ये कहाँ पर पाया गया है, मलेशिया देश में पाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को किसने लॉन्च किया है? जो लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को किसने लॉन्च किया है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है कौन है, संतोष कुमार गंगवार ने इस लोगों को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? तो दोस्तों, जो टोक्यो ओलंपिक जो गेम होंगे 2021 में, जो भारतीय टीम का स्पॉन्सर बना है, INOX नॉक्स ग्रुप्स बना है। तो इनॉक्स ग्रुप्स है, ये इंडिया का स्पॉन्सर बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया है? तो सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया है, छत्तीसगढ़ राज्य को घोषित किया है। अगर हम बात करें, शहर की बात करते हैं, तो सबसे शहर स्वच्छ शहर कौन है दोस्तों, इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। ये लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में आया है प्रथम। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। कौन सी है, रायपुर। यहाँ पर एक नया रायपुर जगह का नाम है नया रायपुर, उसका नया नाम क्या कर दिया, अटल नगर रख दिया है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं, और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्राई फ्रूट परियोजना किसने लॉन्च की है? तो ड्राई फ्रूट जो परियोजना है वो किसने लॉन्च की है, अर्जुन मुंडा, ये केंद्रीय जनजाति मामलों मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स फॉरम स्वास्थ्य और डिग्री के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, जो फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है, नेपाल देश की जो कंपनी के साथ समझौता किया, ई कॉमर्स कंपनी के साथ। जैसे भारत में फ्लिपकार्ट है, ऐसे ही नेपाल में कौन सी कंपनी है, ये कंपनी है ई कॉमर्स फॉरम स्वास्थ्य। ये फ्लिपकार्ट की जो स्थापना हुई थी कब, 2007 में हुई थी, और इसके किसने की थी, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसकी स्थापना की थी। और इसका फ्लिपकार्ट का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे, बेंगलुरु। और फ्लिपकार्ट के जो CEO कौन है, कल्याण मूर्ति हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्लिपकार्ट के विषय पर। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल की जो राजधानी है वो कौन सी है, काठमांडू है। कौन सी, काठमांडू। और करेंसी की बात करें नेपाल की, नेपाली रुपया है। और राष्ट्रपति जो नेपाल के हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं, और प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, KP शर्मा ओली। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं, भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वो कौन सा होता है, सूर्य किरण अभ्यास होता है। कौन सा, सूर्य किरण होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? तो दोस्तों, ये किसने की है, NHAI ने की है। फुल फॉर्म है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें, हमारे सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान
चलाया है? तो दोस्तों ये चलाया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह अभियान चलाया है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है, भोपाल है, और मध्य प्रदेश को जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं वो मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों नए चुनाव आयुक्त किसके रूप किसे बनाया है, राजीव कुमार को बनाया है। ये हैं राजीव कुमार, इन्हें भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाया है। अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जिसने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल देश के साथ समझौता, वो है उत्तर प्रदेश राज्य। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, लखनऊ। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है लखनऊ कौन सी नदी के तट पर है, ध्यान रखना गोमती नदी के तट पर है। अब आता है लखनऊ के जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों को के लिए आरक्षित किया है? कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपनी सरकारी सभी सरकारी नौकरियों के लिए जो राज्य के लोग हैं उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों के लिए अपने ही राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन पुट हुआ था उसका आंसर है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? इसका आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, 19 अगस्त। और टुडे क्वेश्चन फॉर यू, आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामलों में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है मैंने आपको, इंडिया, जापान, चाइना, गिनी देश। तो ध्यान रखना जैविक किसानों की संख्या मामलों में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आप कमेंट्स में इसका राइट आंसर दें, और हरियाणा भूमि हमारा YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो हम आपको WhatsApp पर मैसेज करके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए सभी को धन्यवाद।